वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 10th टॉपिक जो कि है प्लफिंग और टीलिंग। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, जो प्लफिंग है यही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो हमारी सॉइल होती है उसमें वो लूज हो जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल का लूज होना, क्योंकि अगर सॉइल लूज नहीं होगी तो क्या होगा, तो हम अपने सीड्स को बोएंगे कैसे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सॉइल का लूज होना। तो प्लफिंग ही ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो तब प्लफिंग कैसे किया जाता था, तब प्लफिंग बुल ऑक्सेस के द्वारा किया जाता था। मतलब वो एक तरह से ट्रेडिशनल वे है बुल ऑक्सेस। और अब मॉडर्न वे की बात करें तो मॉडर्न वे में तो नई नई मशीनें आ गई हैं। तो प्लफिंग में क्या होता है, प्लफिंग में है हमारा ट्रैक्टर कल्टीवेटर जो कि प्लफिंग का ही एक मशीन है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट की बात करें तो वो है एक है वो होए एंड ट्रैक्टर कल्टीवेटर और ट्रैक्टर कल्टीवेटर के बाद है हमारा एक प्लफ। सो फ्रेंड्स, जो ये प्लफ है ये एक लंबी सी आयरन स्ट्रिप की तरह होता है जिसे ही हम कहते हैं प्लफ शेयर। अभी हम आपको इसकी एक फोटो दिखा देते हैं कि प्लफ शेयर कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारे प्लफ शेयर एंड दिस इज होई एंड इज ट्रैक्टर कल्टीवेटर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्लफ शेयर एंड ये होई एंड ये ट्रैक्टर कल्टीवेटर। सो फ्रेंड्स, जो प्लफ होता है वो एक लंबी सी आयरन स्ट्रिप होती है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, जिसे ही हम कहते हैं प्लफ शेयर। और प्लफ शेयर से क्या क्या होता है, प्लफ शेयर से हम अपने जो हमारे फील्ड में वो आ जाते हैं हार्मफुल वीड्स, उन्हें भी हम बाहर निकाल सकते हैं प्लफ शेयर से। वीड्स क्या होता है, वीड्स एक जंगली पौधा होता है बहुत ही खतरनाक, जो कि हमारे सॉइल की हमारे प्लांट्स की नॉरिशमेंट डिप्राइव कर लेता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने फील्ड से उसे रिमूव करना होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्लफ शेयर की। उसके बाद अगर हम होय की बात करें तो होय भी वीड्स को निकालने के लिए ही काम आता है। इसे कौन पुल्ड करता है, इसे पुल्ड करते हैं एनिमल्स, जो कि एक टाइप का ट्रेडिशनल वे भी कहा जा सकता है। और लेकिन आपके टाइम में क्या होता है कि आपके टाइम में हमारा यूज़ आता है ट्रैक्टर कल्टीवेटर। ट्रैक्टर कल्टीवेटर से उन लोगों की भी टाइम की बचत होती है और हमारे लेबर के भी टाइम की बचत होती है। तो अब हम कुछ जान लेते हैं प्लफिंग के एडवांटेज के बारे में कि इससे हमें क्या लाभ मिलता है, किस लिए हम प्लफिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लफिंग लूज सॉइल के लिए किया जाता है कि सॉइल जो हमारी वो लूज हो जाए। उससे क्या होता है, सॉइल के लूज होने से जो हमारी रूट्स होती हैं वो बहुत ही नीचे गहराई में वो चली जाती हैं, जिससे कि वो सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं और उससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और उसके बाद जो हमारा ये प्लफिंग होता है ये हमारे मैन्योर को या फिर फर्टिलाइज़र को भी मिक्स करने में काम आता है। तो ये है उसके कुछ एडवांटेज। और फ्रेंड्स, अगले इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा नया से नया वीडियो मिलता रहे, क्योंकि हम हमेशा स्टडी वीडियो ही बनाते हैं। थैंक यू।